नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य दृष्टि में। हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर के आते हैं ज्योतिष और वास्तु से संबंधित एक ज्ञानवर्धक वीडियो। आज भी हम एक खास वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम न ज्योतिष की बात करेंगे न वास्तु की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ उपाय की। देखिए मित्रों, कुछ उपाय होते हैं जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले छोटे छोटे से कुछ उपाय होते हैं जो आप अपने घर में बैठ करके ही कर सकते हैं। इसी तरह से हम पांच उपाय आज आपको बता रहे हैं और इनका पूरी तरह से लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहले उपाय जो है, अपने घर में पूजा कक्ष आप अवश्य बनाए और सुबह या शाम को या एक टाइम आप दीपक आप अवश्य जलाएं। एक दिया, अगर घी का दिया हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप सरसों का तेल का दिया या तिल के तेल का दिया आप अपने घर में जला सकते हैं। दीपक जलाने से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और दुख और दरिद्री का निवारण होता है। यानी कि जहां जिस घर में दीपक जलता है उस घर में दुख और दरिद्री बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप आज से ही अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाना प्रारंभ कर दी। दूसरा उपाय है, छोटा सा उपाय है, भोजन करने का समय और भोजन करने के नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम भोजन जिस घर में करते हैं वो एक एनर्जी हमें देता है, यानी भोजन जीवन का कारक है और भोजन करना भी आवश्यक है। लेकिन भोजन से संबंधित कुछ नियम है, ज्योतिष शास्त्र में भोजन करने के नियम है। यदि पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके भोजन किया जाए तो अगर घर में बीमारियां हैं तो वो बीमारियां दूर हो जाती हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है यदि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन करते हैं। तीसरा उपाय है, पूजा पाठ में जो आप घर में सामग्रियां यूज करते हैं, जैसे धूप हो गया और दीप की बाती हो गई, दिए की बाती हो गई, और आप फूल यूज करते हैं या पत्र पुष्प कुछ भी आप यूज करते हैं, यदि वो आप बासी घर में रखते हैं तो वो दरिद्री को आमंत्रण देता है। यानी दुख और दरिद्री उस घर में रहती है जिस घर में बहुत समय से पूजा पाठ में जो यूज की गई सामग्री है वो पड़ी रहे। इसलिए आप फूल या पत्र कुछ भी आप धूप इत्यादि जो घर में जलाते हैं उसको अधिक देर तक घर में नहीं रखना चाहिए, या तो उसको पवित्र जल में विसर्जन कर देना चाहिए, नहीं तो जमीन में खड्डा खोद करके वहां पर आप उसको मिट्टी में दबा सकते हैं। तो ये भी आप जरूर करें, ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा यह उपाय। अगला उपाय है जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है और बहुत छोटा सा उपाय है, आप इस प्रयोग को करें, आपको पूरी तरह से लाभ होगा। तुलसी का वृक्ष हर जगह मिल जाता है, तुलसी का वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाएं। तुलसी जिस घर में होती है वहां पर दरिद्री कभी नहीं आती है, यानी अलक्ष्मी कभी नहीं आती है, सुलक्ष्मी का वास होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी उस घर में बनी रहती है, सकारात्मक माहौल उस घर में बना रहता है जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कई 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 वृक्षों का पूजन किया है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ तुलसी का पेड़ जो है, तुलसी का जो वृक्ष है उसको सर्वोत्तम माना गया है। तो तुलसी का जो वृक्ष है आप आज ही अपने घर में ले आए और दुर्भाग्य को सौभाग्य में जरूर बदल दें। और पांचवा उपाय है, छोटा सा उपाय है, इसको करने से आपको पूर्ण लाभ होगा। ईशान कोण यानी उत्तर और पूरब का कोना, आपके घर में जो भी कोना है उस घर में आप पवित्र जल का छिड़काव अवश्य करें। यानी गंगा जल हो या समुद्र का जल हो, तीर्थों का जल हो, वो जल यदि आपके घर में है तो उस जल का छिड़काव आप हमेशा अपने ईशान कोण में करते रहें, तो यह भी सौभाग्य वर्धन करेगा। आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, दरिद्री का नाश होगा और आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सकारात्मक जो एनर्जी है वो पूरी तरह से आपके घर में वास करनी शुरू कर देगी। ईशान कोण खास महत्व रखता है वास्तु में, यानी ईशान कोण आपका यदि खराब है
ईशान कोण में अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो उस एनर्जी को बदलने के लिए तीर्थों का जल नहीं तो शुद्ध जल का जरूर छिड़काव कर दिया करें, या प्रत्येक दिन आप करें तो आपको खुद इसका लाभ प्राप्त होगा और दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। मित्रों आज थे ये 5 उपाय जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने वाले छोटे छोटे उपाय हैं। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय आपके घर में मौजूद हैं जिनको करने से आपको पूरा लाभ होगा। ऐसे ही कई छोटे छोटे उपाय हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।